नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं आदित्य। शुरू करते हैं सारी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। जम्मू कश्मीर के बडगांव में आतंकियों से अभी भी रुक रुक कर एनकाउंटर जारी है। सुबह करीब 5:30 बजे बडगांव के चादुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। आतंकी घर में छिपे हैं और सुरक्षा बलों पर छिपकर फायरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को इस कार्रवाई में स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों की ओर से पत्थरबाजी की जा रही है, जिसकी वजह से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में मुश्किलें आ रही हैं। मुठभेड़ के दौरान 2 नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। हिंदुस्तान का वोटर और उसमें जम्मू कश्मीर और कश्मीर का वोटर भी शामिल है, अब ये तय कर चुका है। और इस कारण भी कि अब अधिकतर युवा वोटर हैं, वो ये संकल्प कर चुके हैं दबाव में ना आकर के भारत के प्रजातंत्र की मुख्य धारा का हिस्सा बनकर के मोदी जी के नेतृत्व में होने वाले इस विकास के भागीदार बनेंगे। देखिए, इसके बारे में तो आम लोग जो है सोचना पड़ेगा, क्योंकि मिलिटेंसी यहाँ कई सालों से चल रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग मारे गए, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे सिविल हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे पुलिस। उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं, तशद्दुद से कुछ हासिल होने वाला नहीं। जो भी कुछ हासिल होगा वो बातचीत से, अफॉर्मेटिव से प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट। जब तक हम उसको बॉडी नहीं देखें या उसको लाइव नहीं देखें कि कितने हैं, तब तक हम ये नहीं कह सकते कितने हैं। बस मोस्ट प्रोबेबली 1 या मैक्सिमम 2 होने चाहिए। मुझे भी मालूम पड़ा है कि कोई डेथ हुआ है, बट मैंने देखा नहीं है कैसे हुआ है, किसने कब किया। कश्मीर में पिछले 2 महीने में सेना और BSF ने 35 से ज्यादा आतंकी मार गिराए हैं। 8 मार्च को अवंतीपुरा और पड़गामपुरा में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे। 5 मार्च को पुलवामा के त्राल में हिजबुल और जैश के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। रिपोर्ट के मुताबिक घाटी में करीब 200 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं, जो हिजबुल और लश्कर के हैं। और अभी अभी मिली खबर के मुताबिक बडगांव में सुरक्षा बलों ने 1 आतंकी को मार गिराया है और एनकाउंटर खत्म हो गया है। हालांकि सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धर्म का सहारा लिया है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 3 तलाक खत्म करना कुरान के खिलाफ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर 3 तलाक को खत्म किया जाता है तो ये अल्लाह के निर्देशों का उल्लंघन होगा। बोर्ड ने कहा कि 3 तलाक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता के तहत वैध है, इसीलिए उसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। बोर्ड ने यह भी दलील दी कि 3 तलाक का फैसला लेना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इस पर संसद ही फैसला ले सकती है। बोर्ड के बयान पर BJP और शिवसेना ने एतराज जताया है। वहीं JDU ने कहा है कि 3 तलाक पर फैसला समाज पर ही छोड़ देना चाहिए। 3 तलाक जैसी जो व्यवस्था है उससे महिलाओं के बच्चों के अधिकार खासतौर पर बहुत ही चोट खाते हैं, और ऐसे में ऐसी व्यवस्थाओं को भंग करने में ही समाज का लाभ है। ट्रिपल तलाक के विषय में अगर मुस्लिम संगठनाओं का और शरिया में अगर कुछ प्रावधान है तो अन्य जो जिसे हम क्रिमिनल ऑफेंसेस कहते हैं तो वहीं पर लागू होने चाहिए, जिस प्रकार से अरबी देशों में होता है। सरकार उन मुद्दों को उठा रही है जिन मुद्दों को उन समाज के अंदर से ताकत निकलेगी वो सुधार करेगी, इसलिए इसमें जो ट्रिपल तलाक वाला जो मामला उठाए हुए है मैं इसको ठीक नहीं मानता, ये उस समाज के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस्लाम में 3 तलाक बोलकर तलाक लेने की व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने 3 तलाक का विरोध किया है। देश भर में बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक का विरोध कर रही हैं। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि 3 तलाक की व्यवस्था से मुस्लिम महिलाओं में असुरक्षा पैदा होती है और कई बार छोटी छोटी बातों पर उन्हें तलाक दे दिया जाता है। अल्पसंख्यक अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर आज भी राज्यसभा में हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी और BSP ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग को कमजोर बना रही है। रामगोपाल यादव और मायावती ने अलग अलग आयोगों में खाली पदों को जानबूझकर न भरने का भी आरोप लगाया। विपक्षी सांसद उपसभापति के आसन के पास आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। सांसदों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही करीब 10 मिनट तक ठप रही। सरकार ने जवाब दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति समेत अल्पसंख्यक आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग की सीटें UPA के समय से ही खाली हैं। बड़े पैमाने पर बैकलॉग पड़ा हुआ है, सारी इतने दिनों से आरक्षण चल रहा है,
लेकिन आज तक कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है। कितने सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में शेड्यूल कास्ट के हैं, कितने बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं और कितने माइनॉरिटीज के हैं, ये सारे आंकड़े क्यों नहीं सदन के सामने रखते? केंद्र में वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है, तो वर्तमान सरकार ने इन सभी कमीशन को, आयोगों को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। तो और इनके जो पद हैं ऊपर से लेके नीचे तक, अध्यक्ष वगैरह, उपाध्यक्ष, मेंबर वगैरह, सब खाली पड़े हैं। And these people want to mislead the country. What is they have done during the regime? We are ready to face all the fight before the people. And these people want to make a political issue. 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। एनसीएम एक्ट 1992 की धारा 2C के तहत केंद्र अल्पसंख्यक के दर्जे को नोटिफाई करता है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत 18 राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है। जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में अभी तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही नियुक्तियां कर ली जाएंगी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में नाइजीरिया के कई छात्रों पर हमला किया गया। हमले में कई छात्र घायल हुए। नाइजीरियाई छात्रों पर हमले के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 25 मार्च को ग्रेटर नोएडा में एक स्थानीय छात्र मनीष की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कल शाम सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। पास के मॉल में घूम रहे कुछ नाइजीरियाई मूल के लड़कों पर कैंडल मार्च में शामिल कुछ प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। लोगों का आरोप है कि नाइजीरिया के इन लड़कों ने ड्रग्स का ओवरडोज देकर मनीष की हत्या की है। नाइजीरियाई छात्रों पर हमले को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है और उनको सुरक्षा देने को कहा है। पीड़ित नाइजीरियाई छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ितों के मुताबिक वो लोग शाम को मार्केट में गए थे, उसी दौरान गुस्साई भीड़ ने उन पर अचानक हमला कर दिया। थोड़ी देर के बाद ही उसे फिर दोबारा उल्टी होने लगी। मैंने कहा जी क्या कि इसे कुछ दिया हुआ है, जो कुछ भी है, और वो रिपोर्ट में पता चले। उसके बाद हम उसे नोएडा वाली ब्रांच में, कि वहाँ पे मशीनें हैं, वहाँ पे जो भी इसके पूरे टेस्ट होंगे, वहाँ पे उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगी और उसके बाद वो बिल्कुल एलिगेशन ये है कि कुछ विदेशी लोग जो उस क्षेत्र में रहते हैं, उसके द्वारा उसको कोकेन सप्लाई किया गया था, जिसके कारण, ओवरडोज के कारण उसकी डेथ हुई है। ये जांच का विषय है क्योंकि प्रथम दृष्टया जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कुछ भी कॉज ऑफ डेथ नहीं आया है। विसरा प्रिजर्व्ड है, जो कि बाद में उसके एनालिसिस के बाद में स्पष्ट होगा कि किस कारण से उनकी डेथ हुई है। 25 मार्च को मनीष खारी की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले नाइजीरियन छात्रों पर ड्रग्स देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मारपीट करने के मामले में 150 लोगों पर FIR दर्ज की है। पुलिस ने 55 आरोपियों की पहचान कर ली है। ग्रेटर नोएडा में तनाव बढ़ने के बाद धारा 144 लगा दी गई है। DM ने शिक्षण संस्थान और RWA के साथ आपात बैठक की। हरियाणा के रोहतक की जिला अदालत परिसर में हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। रोहतक कोर्ट परिसर के ठीक बाहर हिस्ट्री शीटर रमेश लोहार पर कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कोर्ट के बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने रमेश और उसके साथियों पर फायरिंग की। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जिसकी पहचान सोनीपत के भैंसवाल गाँव के रहने वाले संजीत के रूप में हुई है। गोलीबारी में कुल 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हिस्ट्री शीटर रमेश लोहार को भी गोली लगी है। रमेश लोहार काफी समय से जेल में बंद था, जिसे आज उसके साथियों के साथ पेशी के लिए कोर्ट में लाया गया था। पुलिस को शक है कि गैंग वॉर के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। रमेश लोहार हिस्ट्री शीटर है और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। रमेश रोहतक के बोहर गांव का रहने वाला है। हमलावरों ने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे। 2013 में रमेश की गैंग ने पुलिस पर गोलीबारी की थी।
जिला अदालत के बाहर हुई इस वारदात ने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। धर्मशाला टेस्ट में टीम इंडिया की बड़ी जीत हुई है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। भारत ने 4 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को धर्मशाला टेस्ट में 8 विकेट से मात देकर 2-1 से सीरीज जीत ली। आखिरी टेस्ट के चौथे दिन भारत ने 106 रनों का टारगेट 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। लोकेश राहुल ने सीरीज में 6ठा अर्धशतक जमाया। लोकेश 51 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं कप्तान अजिंक्य रहाणे ने नाबाद 38 रन बनाए। सीरीज में सबसे ज्यादा 25 विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। धर्मशाला टेस्ट में भी जडेजा ने कुल 4 विकेट लिए और 63 रन बनाए। जडेजा को मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला। माना जा रहा था कि विराट कोहली की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया दबाव में आकर बिखर जाएगी, लेकिन रहाणे ने खूबसूरती से टीम को लीड किया। विराट और स्टीव स्मिथ के बीच नोकझोंक के चलते ये पूरी सीरीज तनावपूर्ण रही। कोहली ने टीम की तारीफ की, टीम को बधाई भी मिल रही है। बहुत प्राउड मोमेंट है ऑब्वियसली, पूरा सीजन अच्छे क्रिकेट खेलना, स्पेशली होम सीजन को ऐसे डोमिनेट करना बहुत ज़रूरी था एक यंग साइड के लिए, अपना कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, फ्यूचर की टीम बनाने के लिए, कि ऐसी परफॉर्मेंसेज कंसिस्टेंटली हम करें। मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं कि धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी टेस्ट सीरीज हो रही थी उसको हमने 2-1 से जीत लिया। अब क्रिकेट में तो भारत हमेशा से आगे है। मेरी कोशिश ये है कि क्रिकेट के अलावा भी जो दूसरे खेल हैं उनको भी हम थोड़ा एनकरेज करें, उनमें भी हम हमेशा जीतें। जब एक यूनिट में जब विश्वास हो जाता है, जो एक वेल नेट यूनिट बन जाता है टीम जो है, उसमें सभी ने जो है इस टेस्ट मैच में परफॉर्म किया, वो बल्लेबाज हों, गेंदबाज हों, फील्डर्स हों, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमने शानदार जीत दर्ज की। धर्मशाला टेस्ट के चौथे दिन भारत ने 2 विकेट खोए। मुरली विजय 8 और चेतेश्वर पुजारा बिना खाता खोले ही आउट हो गए। सीरीज का पहला टेस्ट पुणे में खेला गया था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 333 रनों से बाजी मारी थी। भारत ने बेंगलुरु टेस्ट 75 रनों से जीतकर सीरीज में बराबरी की थी। वहीं रांची टेस्ट ड्रॉ रहा था। भारत ने आखिरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी साल 2012-13 में 4-0 से जीती थी। टीम इंडिया ने विराट की कप्तानी में लगातार 7वीं सीरीज जीती।